कोसी में पुल नहीं, अगला चुनाव में वोट नहीं, ग्रामीण वासी लहटोरा। और ये लहटोरा आता है अररिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत, और अररिया विधानसभा के विधायक हैं आबिदुर रहमान साहब। आप, आपकी सरकार है, यानी आबिदुर रहमान साहब आप सरकार में बैठे हुए हैं, और आपके विधानसभा क्षेत्र के लोग आपसे मांग कर रहे हैं एक पुल की, और लगातार पिछले 8 सालों से आप ही विधायक हैं, और एक मात्र पुल लहटोरा में आप नहीं दे सके। और साथ ही साथ प्रदीप कुमार सिंह जो यहाँ के सांसद हैं और ये उन्हीं के क्षेत्र अंतर्गत आता है, और उनकी भी केंद्र में सरकार है, तो फिर किस चीज़ का दावा करते हैं आप लोग कि हम विकास कर रहे हैं? चाहे दो महागठबंधन की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, सब ने लहटोरा को ठगा है। हम रास्ते से गुजर रहे थे तो लहटोरा गांव के जागरूक ग्रामीणों का लिखा हुआ कुछ दिखा हमें, जो साफ साफ आप खुद भी पढ़ सकते हैं, उधर दिखा दीजिए कि कोसी में पुल नहीं, अगला चुनाव में वोट नहीं, तो ऐसे में यहाँ के विधायक और सांसद को डूब के मर जाना चाहिए। NH 57 जहाँ से लगभग सभी नेता गुजरते हैं, और उसको यहाँ पे दिख जाता होगा कि उधर उस पार गांव है, लेकिन कई किलोमीटर दूर जिनको सिर्फ 100 मीटर यानी 100 मीटर का पुल या 50 मीटर का भी पुल बन जाए, तो गांव वासियों का 20 से 30 किलोमीटर दूर घूमना पड़ता है, वो बच जाएगा। इसीलिए गांव वालों ने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा जगह पे कुछ ऐसा किया जाए, क्योंकि नेताओं के दरबार में दौड़ते दौड़ते थक गए ग्रामीण वासी, तो उनको एक तरकीब सुझा, और वो इस तरकीब के तहत जो है बैनर और पोस्टर लगा दिए, और बड़ा बड़ा करके साफ साफ लिख दिए कि कोसी में पुल नहीं तो अगला चुनाव में वोट नहीं। लेकिन आप घबराइए नहीं नेताजी, क्योंकि आपको वोट मिल जाएगा जब चुनाव का समय आएगा। ये सब तो बस ऐसे बयानबाजी, ऐसे ही लोग लिखते हैं। आपको चुनाव में वोट उस टाइम मिल जाएगा, क्योंकि महागठबंधन के नाम पे वोट मिलेगा, तो आपको तो वोट वैसे भी मिल जाएगा, इस टाइप से डरने की बात नहीं है। आपका मोहम्मद आफाक, यहाँ पे जो आप लोग ग्रामीण वासी लिखे हैं कि कोसी में पुल नहीं तो अगला चुनाव में वोट नहीं, बहुत परेशान होता है। अच्छा। हम लोग का बहुत दिक्कत होता है जाने आने का। हाँ। और पूरब जाने का कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ। हम लोग का बहुत दिक्कत है हमको। तो अरे अपना नेताजी हैं आबिदुर रहमान साहब हैं, अपना विधायक है, इधर आओ बाबू थोड़ा सा। हाँ बस अपना विधायक है, अपने नेताजी हैं, तो ये तो बहुत दिन से ये हो रहा है ना। तस्लीमुद्दीन साहब बना, वो भी देख कर गए हैं इसको। उसका सरफराज साहब आए, वो भी देख कर गए हैं इसको। सब बोलता है बन जाएगा, अभी तक हम लोग को नहीं बना है रोड। अच्छा। ये पुल अभी तक नहीं बना है। कौन सा विधानसभा में आता है ये? अररिया विधानसभा से है। तो अररिया के नेताजी को करना चाहिए उस टाइम तो किशनगंज जुटा हुआ था। नहीं नहीं, अभी 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 तो अररिया के विधायक हैं। अभी तो अररिया विधायक। हाँ तो होगा। हाँ तो अभी तो आबिदुर रहमान है ना यहाँ का। हाँ। विधायक तो क्या कहिएगा नेताजी को? नेताजी क्या क्या करेंगे उसका? हाँ। जो है तो हमारा हम लोग का पुल बना दे। इतना जो है आप लोग कोसी में पुल नहीं, अगला चुनाव में वोट नहीं, तो किसे वोट नहीं दीजिएगा भाई? नेता को वोट नहीं देंगे। कौन नेता? जो नेता आएगा यहाँ पे उसको वोट नहीं मिलेगा। अच्छा, पहले पुल बनाए तब तो वोट उसको तो मिलेगा। फिर बीजेपी को हराने के लिए जो आएगा तो उसको वोट देना ना होगा? नहीं नहीं नहीं, उस हिसाब से नहीं होगा। पहले पुल बनाए, जो होगा पुल बनाएगा वो उसको वोट मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। उस टाइम फिर आबिदुर रहमान साहब के साथ लोग जुड़ेंगे। क्या गलत बोल रहे हैं? नहीं नहीं, ये लिख के कोई फायदा हुआ? नहीं नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं, नहीं। वोट तो फिर देंगे वो, क्योंकि तो बीजेपी को। हाँ। मेन बात वो तो हो जाता है उस हिसाब से। हाँ। मगर अभी अगर पुल नहीं बनेगा तो वोट। हाँ। नहीं मिलेगा भैया। जो पुल बनाएगा उसको वोट मिलेगा, जो पुल बनाएगा उसको वोट मिलेगा। तो हम सब तो उसमें तो ये कर रहे हैं, लिखे हुए। क्या क्या परेशानी होती है आप लोग जब? चाचा क्या क्या परेशानी होती है? उधर खेत है आप लोगों का, गांव इधर है। उधर खेत है हम लोग का ना, कि पूरब जाने का हमको रास्ता बन, जब बाढ़ आया तो हम लोग पैदा, पूरब बंद हो गया। अभी तो सूखा है तो इधर उधर करता है, यही दिक्कत है। और जो हम लोग का पुल बना देगा उसको वोट हम लोग देंगे हम। ये नहीं, जाति पर नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे। जो पुल बना के देगा, हाँ, जो अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह जी, यहाँ के लोग तरस रहे हैं एक पुल के लिए।
अगर आप ही इस पुल को बनवा देते हैं तो यहाँ के लोग उनको वोट देंगे। हाँ, देंगे वोट। अगर प्रदीप कुमार सिंह जी बनवाते हैं, अब्दुल रहमान साहब बनवाते हैं, हाँ प्रदीप सिंह को बनाने का ये है, उसका ये इसमें है, वो बनवा देगा तो वोट देगा। हाँ वही देगा। ये बागनगर में जुटा हुआ है, बागनगर और लठोड़ा एक ही है, जुटा हुआ है सब, इसमें जुटा हुआ है, वोट देगा उसको। बहरहाल आप समझ सकते हैं कि गांव और ग्रामीण वासी किस तरह से तंग आ गए हैं इन नेताओं से, इस तरह के विधायक से, कि जहां पे एक पुल के लिए तरस रहे हैं, अंत में जब इन लोगों की बात नहीं सुनी गई तो अंत में इन लोगों ने बैनर, एक बड़ा सा पोस्टर बनाया और NH 57 पर जो है लगा दिया है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप अररिया से पूर्णिया की तरफ जाइए, आपको रास्ते में ये पोस्टर मिल जाएगा जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि लहटोरा यानी कोसी में पुल नहीं, अगला चुनाव में वोट नहीं। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिए, सच्ची बात मीडिया का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को फॉलो करिए, ताकि असली बिहार के असली मुद्दे हम आप तक पहुँचा सके। धन्यवाद।